हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल ईरम खाना खजाना में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, गर्मी का मौसम आ गया और मार्च अप्रैल में आम का मौसम भी आ जाता है, तो आज हम आपको उसी उस पर बताएंगे बेस पर आम का मुरब्बा कैसे बनाना है आपको, और उसमें कौन कौन सा सामान आपको यूज़ करना है। जो ये मुरब्बा होता है, आप इसको 2-3 हफ्ते के लिए रख सकते हैं। तो आइए, आपको क्या क्या सामान लेना है वो हम आपको बताएंगे। पहला सामान आपको लेना है सूखी धनिया, जो हमने 1 कटोरी ली हुई है, और ये देखिए हमने 4-5 लाल मिर्च ली हुई है, और ये है हमारी कलौंजी, और ये हमारा है अजवाइन, और ये देखिए हमने लहसुन लिया हुआ है, देखिए, और हमने इसको एक एक कलियों को अलग कर लिया है, और ये हमारा है जीरा, और ये देखिए फ्रेंड्स हमने गुड़ ले रखा है, और ये हमारा आम है जो हमने इसको पहले से ही छील के पानी में भिगो के रखा है कि ये हमारा काला ना हो। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, सबसे पहले धनिया, सूखा मिर्चा, कलौंजी, अजवाइन, लहसुन को हम भून लेंगे। देखिए ये हमारा गरम हो चुका है, हमने इसमें धनिया और ये जो सूखी मिर्च है हम इसमें डाल देंगे और इसको तोड़ देंगे, ये हमारा थोड़ा जल्दी भुन जाए, और इसे हम ऐसे ही भूनेंगे। देखिए हमें इसको बिल्कुल अच्छी तरह से भूनना है कि हमारे मसालों में बिल्कुल ही जो कच्चापन है वो ना रहे, तो अच्छी तरीके से हम इसको चलाते हुए भूनेंगे। देखिए खुशबू भी आ रही है इसकी, और हम इसे ऐसे ही चलाते रहेंगे। देखिए फ्रेंड्स अब ये हमारा हो गया है, अब हम इसे उतार लेंगे। देखिए इसे हम इन सभी को निकाल लेंगे। देखिए फ्रेंड्स अब हमने इसमें कलौंजी अजवाइन को डाल लिया है, और इसे हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, क्योंकि अगर ये ज़्यादा पक जाएगा तो इससे कड़वेपन की स्वाद आ सकती है। अब हम इसे उतार लेंगे। देखिए हमने निकाल लिया है सभी मसालों को, अब हम इसमें लहसुन डाल देंगे, और लहसुन हमें थोड़ा 20 से 15 मिनट तक इसको भूनना है कि ये हमारा पूरी तरीके से हो जाए, इसमें कच्चापन ना रहे। ऐसे ही हम इसे चलाते रहेंगे कि ये हमारा जले भी ना और पूरी तरीके से ये हमारा हो जाए। और देखिए अब ये हमारा हो चुका है, और हम इसे अब निकाल लेंगे। देखिए हमने निकाल लिया है, अब हम इन सभी मसालों को मिक्सर में पीस लेंगे, पर इससे पहले हम देखिए अब हम इसमें थोड़ा सा तेल डाल देंगे, और हम इसे थोड़ा सा घुमा देंगे, और अब हम इसमें डाल देंगे जीरा जो हमारा ये। देखिए अब हम इसमें अपने आम के जो हमारे टुकड़े हैं हम इसे डाल देंगे, देखिए हमने डाल दिया है, और हम इसमें अब थोड़ा सा पानी डाल देंगे कि हमारा जो आम है वो गल जाए। जब तक ये हमारा ये तैयार होगा, जब तक ये गलेगा तब तक हम मिक्सर में अपने बाकी मसालों को पीस लेंगे। देखिए फ्रेंड्स अब हम इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे, ज़्यादा नहीं हमको ऐड करना है, बहुत थोड़ा सा हमें नमक ऐड करना है इसमें, और हम इसे मिक्स कर देंगे, और इसे हम ढक देंगे कि ये हमारा अच्छी तरीके से गल जाए 5 मिनट के लिए। देखिए 5 मिनट हो गए, और हमारा मसाला भी पीस के देखिए बिल्कुल तैयार है। अब हम इसे डाल देंगे इसमें और मिक्स कर देंगे। देखिए हमने मिक्स कर दिया है, अब हम इसमें डालेंगे
जो देखिए हमने छोटे छोटे पीसेस में गुड़ किए थे, हम इसे भी डाल देंगे और इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे कि ये हमारा बिल्कुल इसी में मिक्स हो जाए। हम इसे 5 मिनट के लिए और ढक देंगे कि हमारा जो गुड़ है वो इसमें गल के बिल्कुल मिक्स हो जाए। देखिए फ्रेंड्स, हमारा बिल्कुल आम का मुरब्बा तैयार है। देखिए देखिए कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। तो आप जब भी आम का सीज़न आए तो आप इसे ज़रूर बना के खाएं। अब हम इसे सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे, देखिए। और अगर आपको जैसे ज़्यादा मीठा खाना है, अगर आपको ज़्यादा मीठा नहीं अच्छा लगता है तो आप गुड़ की मात्रा को कम कर सकते हैं, तो इससे हमारा मुरब्बा खट्टा और मीठा बनेगा। अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद है तो आप गुड़ की मात्रा को ज़्यादा कर सकते हैं, इससे आपका मुरब्बा मीठा बनेगा। देखिए फ्रेंड्स, हमने निकाल लिया है। देखिए फ्रेंड्स, हमारा मुरब्बा बिल्कुल तैयार है और देखने में कितना टेस्टी लग रहा है, कितना मज़ेदार लग रहा है। तो फ्रेंड्स, आप कहीं भी या कभी भी इसे खा सकते हैं, ले जा सकते हैं। ये जल्दी ख़राब नहीं होता है। आप इसे फ्रिज में काफ़ी लंबे समय तक इसको स्टोर करके रख सकते हैं। आप इसे पराठे के साथ में, पूड़ी के साथ में, रोटी के साथ में खा सकते हैं। आपको जिससे पसंद हो आप उससे खा सकते हैं फ्रेंड्स। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो फ्रेंड्स हमें बिल्कुल भी सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।